MPCG 24 समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश जिला बालाघाट के अंतर्गत आने वाले खैरलांजी क्षेत्र की, जहां सरपंच पति एवं पुत्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर हितग्राहियों से वसूली मोटी रकम। हितग्राहियों को आज तक नहीं मिला लाभ। हितग्राही द्वारा राशि वापिस मांगने पर दी धमकी। मामला तहसील मुख्यालय ग्राम पंचायत खैरलांजी का। खैरलांजी तहसील मुख्यालय की ग्राम पंचायत खैरलांजी के सरपंच पति कविंद्र खड़से एवं पुत्र दिल कुमार खड़से द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रतीक्षा सूची में दर्ज हितग्राहियों से प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर चार हितग्राहियों, जिसमें श्री संतोष गोले, श्रीमती रंजीता वाघाड़े, शोभा राम लिल्हारे, सुकरी चंद लिल्हारे से हजारों की मोटी रकम वसूली की गई। एक मामला और सामने आया, जहाँ मीनाक्षी तालाब के लिए हितग्राही श्रीमती उषाबाई के पति श्री हगरूलाल बहटवार से 11,000 रुपए की मोटी रकम वसूली की। उक्त हितग्राहियों को आज तक आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया। हितग्राहियों ने बताया कि हमारे द्वारा सरपंच पति एवं पुत्र से मांग की गई कि आप हमारा रुपए वापस कर दीजिए। कहा तो सरपंच पति एवं पुत्र द्वारा सभी हितग्राहियों को धमकाया गया और हद तो तब पार कर दी जब सरपंच पति और पुत्र ने सभी हितग्राहियों को झूठे केस में फंसाने की बात करके इस पर सभी हितग्राही अपने समस्या को लेकर जिला पंचायत सदस्य श्री राम कुमार नकपुरे के पास पहुँचे। श्री नकपुरे ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संज्ञान में लेकर अग्रिम कार्यवाही की मांग करते हुए उच्च अधिकारियों को आवेदन प्रेषित किया। आपका नाम? अब्दुल्ला। कहाँ के निवासी हो आप? क्या शिकायत की गई आपके द्वारा, क्या मामला? मीनाक्षी तालाब के बारे में। हाँ, तो क्या थी शिकायत, किसके द्वारा यानी किसके विरुद्ध में की गई शिकायत? विरोध वो मांग के विरोध में। नहीं नहीं किसके विरोध में की गई, यानी कौन है विरोधी, कौन है आपके, मतलब किसके विरोधी मांग है जी? इनको पैसे दिया उन्हें आपने? किसको दिए उसका तो नाम बताइए, किसको दिए? उसका लड़के का नाम कविंद्र को। कविंद्र खड़से? हाँ, खड़से। सरपंच पति को? हाँ। कितना रुपए दिया गया? मैंने दिया हूँ 1100 रुपए। कितना? 11,000 रुपए दिए। अच्छा, तो हाँ। क्या बोला गया था आपको? उनने बोले कि तला हम मीनार की तालाब बनाते हैं तुम्हारा, तुमको पैसा लगेगा, कहीं कहीं खर्चा लगता है हमको, वहाँ 10,000, वहाँ 500, वहाँ 500, वहाँ 500। तो बोले इतना पैसे दे दे, तुम्हारा पास हो जाएगा। तो 3 साल हो गया मेरा, 3 साल हो गए तो पास होने को चाहिए। तो आपके द्वारा थाने में शिकायत की गई? हाँ। मेरा नाम सुकुचंद लिल्हारे है। मेरा भाई के लिए मकान बनने के लिए कविन खड़से एवं उसका पुत्र साथ में आया, बोले मेरे लड़के को 10,000 रुपये दे देना। मैंने अपने भाई से 10,000 रुपये लेकर कविन खड़से को मैंने 10,000 रुपये दिया। उसके लड़के को बार बार घर आता था वो मेरे घर। मेरा भाई का मकान पूरा तरह से टूट चुका था। कितने दिन हुए थे पैसे? एक वर्ष हो चुका है उसको। तो आपको योजना का लाभ नहीं मिला? वो नहीं मिला एक रुपए लाभ। फिर आपने कुछ मांग की उनसे? मांग किए तो बोले 2 महीने में 3 महीने में पैसे मिल जाएंगे, मकान मिल जाएगा। अच्छा, उसके लिए हमने उसके लिए कार्रवाई की, थाने में लगाए। रिपोर्ट किया आपके द्वारा? हाँ, उसके द्वारा एफिडेविट। हाँ, एफिडेविट द्वारा किया अंदर में चौकी थाने में। फिर बोले मकान मिलने के बाद मेरा भाई यहाँ से मकान गाँव छोड़ के चले गए कमाने। उसका मकान नहीं रहने के लिए तो गए नागपुर। एक साल के ऊपर हो गया, पैसे दिया उसको 2 महीने 3 महीने के बाद पैसे मिल जाएंगे मकान। पैसे जब मांगने गए तो क्या बोला गया? तो बोले 2 महीने में आपको मकान मिल जाएगा। इतने दिन से हो गया, एक वर्ष हो गया पूरा, आज भी नहीं मिल रहा है मकान। आज मेरा उसकी वजह से कविन खड़से का वो लड़का की वजह से मेरा भाई नागपुर वर्धा जिले में रह रहा है। क्या मांग छोड़ के क्या मांग करते हो आप? मांग तो ये मकान चाहिए था मेरे को, उसने बोला था झांसा दिया हमको मकान मिल जाएगा। आज जाने कार्रवाई पूरी होने सरकार द्वारा शासन से। मेरे सास का नाम आया था जी, सास का नाम आया तो उसने बोला तुम्हारे सास का नाम काट के। क्या नाम है आपके सास का? उसका फुलन भाई वाघा। अच्छा, हाँ, क्या बोला गया फिर? तो उसने बोला तुम्हारे सास का नाम काट के तुम्हारे पति का नाम चढ़ा दूंगा। अच्छा, तो हमने बोले 10,000 रुपये लगेंगे। बोले पहले 5,000 रुपये दे दो और बोले फिर खाते में जमा होंगे तो 5,000 रुपये दे दो। तो मैंने 5,000 रुपये दे दीजिए उसको। जब मांगने जाते थे बोलते तुमने लाल नोट दिए कि हरी नोट दिए, ऐसे बताते। हमने पैसे कहके दिए पैसे। सुनने में आया कि आप लोगों को धमकी भी दी गई? नहीं जी, ऐसा बोल रहा है नहीं। अच्छा, बोले नहीं दूंगा पैसे। बोले तो तुम्हारे पास गवाह है क्या? बोले मुद्दा है क्या? बोले मैं तो बदल भी सकता हूँ। बोले
तो मैंने बोली बदल भी सकेगा तो मेरा कुछ नहीं होता। मैंने ये आपने जब राशि दी है ये कब की बात है? मेरे तो 2 साल हो गए सर। 2 साल हो गए। हाँ। मकान के लिए दिए थे? हाँ मकान के लिए। तो मकान मिला क्या आपको? नहीं दिए जी। मकान भी नहीं मिला, पैसे भी नहीं दिए? नहीं, पैसे मांगते हूँ तो बोलते नहीं देंगे तो क्या कर लूँगी बोलते। तो आपके द्वारा कुछ उच्च कार्रवाई की गई क्या? थाने में रिपोर्ट की गई। तो ये आप क्या मांग करना चाहते हैं? मांग तो मकान होना हमको। अच्छा मकान भी मिलना चाहिए और कार्रवाई भी होना चाहिए। हाँ। अभी आप फिर कहाँ रह रहे हैं? वो टूटे मकान में जिले जा टूटे मकान में रह रहे हैं। हाँ पिछले 2 साल से। हाँ। सर जो ये आपके द्वारा जो अभी मामला उठाया गया है मकान इंदिरा आवास तो या जो प्रधानमंत्री आवास जो मिलता है उसके संबंध में, तो क्या मामला है सर ये पूरा? ये मामला ऐसा है कि जितने लोग अभी आपको बैठ दिए इन लोगों ने जी, ये सारे लोग मेरे पास आए कि एक एक करके आए कि हम लोगों ने कविन खड़े से और उसके लड़के को पैसा दिया और अभी तक मकान नहीं दिया और पैसे मांगने जाते तो टालते रहता है, आज मकान मिल जाएगा कल मकान मिल जाएगा। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि सूची में नाम नहीं है, उसके बाद ही पैसा लिया गया है ना। तो इन लोगों ने मुझे एक एफिडेविट ला के दिया जी। मैंने कहा आप एफिडेविट बना लो, उसके बाद हम थाने में जाकर आवेदन देंगे और एफिडेविट भी देंगे। उसकी काफ़ी हमने थाने में दे दी है, पी आई साहब से बात भी हुई उसमें, और कल जो है अपन जनपद सी ओ को भी देंगे, एस डी एम को भी देंगे, कलेक्टर को भी देंगे और जिला पंचायत जो सी ओ है हमारी रजिस्ट्री सी उनको भी देंगे। उनसे चर्चा भी करेंगे कि जिन लोगों को हमने पैसा लिया है ऐसे सरपंच पति और सरपंच सरपंच पुत्र पर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जेल भेजा जाना चाहिए। इन लोग भी ऐसे ही मांगे और मुझे ऐसा पता चला है कम से कम ऐसे 100 लोग गाँव में जिनसे पैसा लिया हमने। हर योजना में यहाँ का जो सरपंच पति और सरपंच का पुत्र है पैसे ले लेकर ही काम करता है और कई लोगों के काम भी नहीं होते। तो मैं चाहता हूँ कि इन लोगों की मांग पूरी होनी चाहिए और ऐसे गुनहगारों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिसे पैसा इनसे दिया है। गरीब लोग हैं, इनको मकान भी मिलना चाहिए, मकान सूची में भी नाम है इन लोगों का पर आज को मकान नहीं मिला है। थाना प्रभारी द्वारा क्या आश्वस्त किया गया सर आपको? मैं थाने में गया था, थाना प्रभारी मैं मामले पे संज्ञान में लेता हूँ बोले और फिर जो है जिसे पैसा लिया उनको कार्रवाई करूँगा ये उनने बोला है, पर मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। मैंने जनपद सी ओ से ही बात की है, आज रविवार है तो कल उनसे मुलाकात होगी, सारे लोग भी रहेंगे, फिर उसके बाद उनको भी एक कापी दी जाएगी पूरे थाने की और जो इनका एफिडेविट बना हुआ है वो भी वहाँ पर सौंपा जाएगा। उसके बाद एस डी एम साहब को भी देंगे और बाराड़ जाके कलेक्टर साहब को भी देंगे और जिला पंचायत में भी देंगे और उनको मकान भी मिलना चाहिए।